हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटे से स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको सभी लोग जम के ख़रीद रहे हैं। दोस्तों पता नहीं क्यों, लेकिन सभी लोग जम के ख़रीद रहे हैं, तो आज हम उसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंपनी का नाम दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, सीसीएल लॉजिस्टिक लिमिटेड है, ठीक है। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, 8 रुपये के आसपास चल रहा है, और आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 5% का अपर सर्किट बहुत धमाल का है दोस्तों। अगर 8 रुपये के स्टॉक में अगर आपको 5% का अपर सर्किट मिल जाता तो इससे अच्छा स्टॉक और कहाँ मिलेगा बताइए। इससे अच्छा स्टॉक और हमें कहीं मिल ही नहीं सकता, तो ऐसे स्टॉक से हम अपना ध्यान भी नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 5% का अपर सर्किट लगाया गया है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, ठीक है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी को हम जज कर पाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं स्टॉक कंपनी का नाम यहाँ पर है, और यहाँ जो वैल्यूएशन है आपको बताया जा रहा है दोस्तों, ये जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव है, ग्रीन सिग्नल आपको दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें लॉस हुआ है दोस्तों, और इसी के कारण जो है कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। इसी के कारण जो है कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और इस कंपनी को दोस्तों ज़्यादातर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है, यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेवी नुकसान हो रहा है दोस्तों। नेट सेल्स में भी देखिए कंपनी को हेवी नुकसान है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ऐसी कंपनी को ख़रीदना चाहिए, लेकिन पता नहीं दोस्तों, बहुत लोग जो है ऐसी कंपनी को खरीद खरीद के रखे दोस्तों, 10,000 20,000 क्वांटिटी, बहुत हेवी हेवी क्वांटिटी में जो है ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा गया है। और अभी अभी के डेट में यहाँ पर देख सकते हो 2018 और 2019 में यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा बहुत जो है इंक्रीज़ हुआ है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर देख सकते हैं 26.92 का जो है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि मतलब टोटल रिकवरी हो गया। रिकवरी होने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नेट सेल्स में भी यहाँ पर देख लो 22% का अपर सर्किट है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ ख़रीदारी करना है, ठीक है। मैं बस बताना चाहता हूँ कि लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बस आपका ध्यान ऐसे स्टॉक के सामने लाना चाहता हूँ कि आप जज कीजिए, आप देखिए, आप खुद का भी थोड़ा बहुत जो है एनालिसिस कीजिए, समझिए कैसा लग रहा है, उसका बाद खरीदिए। क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पर फिल्टर करके ला के दे रहा हूँ। और कंपनी का जो है बैलेंस शीट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कंपनी का बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की और जो है निकल पड़ा है, थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूवमेंट की और ये निकल पड़ा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गलती करता था, अब बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, लेकिन एक ही बार नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो करंट असेट है, करंट असेट में इसने जो है पॉजिटिविटी लाई है। पहले तो ये नेगेटिव में था, मान लेते हैं कि यहाँ पर 44 दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले दोस्तों नेगेटिव में था, अब आपको जो है 44 पॉजिटिव में दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो अभी कंपनी का कितना है, नेगेटिव में ही है, ठीक है। उसके बाद फिक्स असेट है, ये एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कंपनी के पास कितना फिक्स असेट है। जितना ज़्यादा फिक्स असेट रहेगा उतना ज़्यादा आपका सेफ्टी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का भी फिक्स एसेट चलिए जो भी है तो सही। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के पास कुछ है नहीं, मतलब कि दोस्तों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के पास कुछ नहीं है, तो चलिए भाई ये एक पॉजिटिव थिंग है कंपनी में। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों, तो हिस्सेदारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, प्रमोटर ने जो है वो अपने होल्डिंग को प्लेज कर रखा है, कितना 83% इन्होंने जो है अपना होल्डिंग को प्लेज कर रखा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड वालों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, ना के बराबर है। और उसके बाद देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन या प्रमोटर विद हायर होल्डिंग कुछ भी नहीं है दोस्तों इनके पास, 37% के आसपास। तो मैं बोलूँगा ऐसे कंपनी से थोड़ा बहुत तो आपको सोचना चाहिए, और सोचने के बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, बिना सोचे पैसा मत लगाइए। तो मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता था कि कंपनी देखिए बहुत ज़्यादा जो है गिर चुकी है, और लॉजिस्टिक की बिज़नेस है दोस्तों, ठीक है, लॉजिस्टिक का बिज़नेस है। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट करने का बिज़नेस है, आने वाले दिनों में अगर ग्रोथ होता है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे बिज़नेस इंक्रीज़ होता है, तो और बहुत सारे लॉजिस्टिक है, VRL करके हैं, दो चार लॉजिस्टिक और हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे लॉजिस्टिक कंपनी हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको प्रॉफिट हो, क्योंकि अभी तो सारे कंपनी को जो है ज़्यादा ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ
कि सबसे सस्ता वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है लॉजिस्टिक का इस कंपनी, ठीक है। ये लॉजिस्टिक का कंपनी आपको बहुत ज़्यादा सस्ते और चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, चलेगा तो आसमान तक नहीं तो शाम तक, याद रखिएगा। चला गया, अगर ये स्टॉक चल गया तो आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन ठीक है सोच समझ के आपको पैसा लगाना, ठीक है। तो मैं चाहता था कि ऐसे स्टॉक जो है मल्टीबैगर जैसे स्टॉक को ढूंढ के आपके सामने लाना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ है डिक्रीज़ होने वाला है, तो वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा बस।